आज के इस वीडियो में मैं आपको वोटर कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें अपने मोबाइल फ़ोन पर, इसके बारे में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि आगे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये वोटर आईडी कार्ड कौन लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आप पहले चैनल पर पहली मरतब आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए इसी तरह के मोर लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वोटर कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर गूगल में आपको टाइप करना है NVSP.in, इतना टाइप करके आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो आपके सामने नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन नज़र आएगा, लॉगिन और रजिस्टर। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अगर आपने इसमें पहले से अकाउंट बनाया है तो आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और एक कैप्चा जैसा लिखा है वैसे टाइप करके लॉगिन कर लेना है। अगर आप यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया है, आप न्यू है, तो यहाँ पर देखिए डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर इस न्यू यूज़र, आपको इस पर क्लिक करना है। तो एक न्यू अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद एक कैप्चा जैसा लिखा है वैसे टाइप करके आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप करके आपको वैलिडेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है, अगर है तो यस करेंगे यहाँ पर पहले वाला, और नहीं है तो आई डोंट हैव एपिक नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। है तो आपको यहाँ पर एपिक नंबर सिलेक्ट करके आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करना है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी टाइप करना है और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है, दो पासवर्ड दोबारा से कन्फर्म टाइप करना है। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम टाइप करना है। यूज़र नेम आपका मोबाइल नंबर होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है जो आपने पासवर्ड बनाया था। उसके बाद एक कैप्चा जैसे लिखा है वैसे टाइप करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड ईपिक का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर देखिए डाउनलोड ईपिक यहाँ पर ग्रीन में आपको बड़े में नज़र आ रहा होगा, ये नया फीचर इसमें जोड़ा गया है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है, इस पर या इस पर, दोनों पर किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर एपिक नंबर है तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है, जब आपने वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किया था तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, तो रेफरेंस नंबर के ज़रिए भी आप यहां से अपना एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि वोटर आईडी कार्ड। तो हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो हम यहाँ पर एपिक कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप कर देंगे। एपिक नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस स्टेट से है, तो जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर लेना है। सर्च पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएंगी, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर, आपका नाम, आपका फादर का नाम, आपकी स्टेट। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना स्टेट और अपना ज़िला जो भी है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेंड ओटीपी, और आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप करके आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली, आपको इस तरीके से ये नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपको कैप्चा जैसा लिखा है वैसे टाइप करके आपको डाउनलोड ईपिक पर क्लिक करना है। तो आपके सामने अपना वोटर आईडी कार्ड पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैप्चा मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद डाउनलोड ईपिक पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पीडीएफ में डाउनलोड करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, देखिए हमारा वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए इस तरीके से आपका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन लोग ये वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए नवंबर 2020 के बाद जिन लोगों ने भी अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनाया है और उसमें यूनिक मोबाइल नंबर दिया है, वही लोग इस वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका पुराना वोटर आईडी कार्ड है तो उनके लिए भी अभी इस पर काम चल रहा है, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों पुराने लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जिन लोगों का पुराना वोटर आईडी कार्ड है उन लोगों को ये कैसा शो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप कर देंगे, उसके बाद यहाँ से हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको करंटली ई एपिक डाउनलोड फैसिलिटी इज़ अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉल रजिस्ट्रेशन आफ्टर नवंबर 2020। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवंबर 2020 के बाद जिन लोगों ने भी ये नया वोटर आईडी कार्ड बनाया है वही लोग इसमें इस वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका पुराना है उनके लिए देखिए यहाँ पर अवेलेबल सून, यानी कि उस पर अभी काम चल रहा है। जो लोगों का पुराना वोटर आईडी कार्ड है उनको भी यहाँ पर कुछ दिनों के बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।